नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। नशे में धुत दो बदमाशों ने एक डिलीवरी बॉय के साथ जमकर मारपीट कर दी थी। आरोपियों ने मार मार कर डिलीवरी बॉय को घायल कर दिया। पीड़ित ने तुकोगंज थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है, जिसके बाद सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर में नशे में धुत बदमाशों का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। नया मामला 56 चौरपाटी का है, जहां ऑर्डर लेने गए फूड डिलीवरी बॉय की दिन दहाड़े नशे में धुत बदमाशों ने डंडे और ईंट से धुनाई कर घायल कर दिया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिस पर पुलिस ने बदमाशों पर एफआईआर दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और घटना को अंजाम देने वाले दोनों आरोपियों को मुखबिर की मदद से धर दबोचा। हालांकि सीसीटीवी की मदद से मारपीट करने वाले आरोपी को पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। घटना आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर थाना प्रभारी ने बताया कि घायल डिलीवरी बॉय दीपक की रिपोर्ट पर आरोपी हेमंत और सन्नी को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल बदमाशों की गिरफ्तारी कर आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। 13 तारीख को रात में स्विगी में काम करने वाले एक एम्प्लॉय के साथ 56 दुकान के पास में मारपीट हुई थी। उसमें सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और मुखबिर की सूचना के आधार पर दो लोगों को भड़का है। उसमें से एक का नाम हेमंत उर्फ हेमू है, दूसरा सामर उर्फ सनी है। दोनों में नशे की हालत में सागर गेरे रेस्टोरेंट के बाहर वो ऑर्डर लेने के लिए खड़ा हुआ था और ये लोग उसकी बाइक के पास खड़े थे। उसने इनको बोला कि आप हट जाओ, मुझे बाइक निकालनी है, और उस बात पर से इन दोनों ने उसके साथ मारपीट की थी और उपरोक्त दोनों आरोपियों को आज मुंबई की सूचना पर से पकड़ लिया। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।